राहु और केतु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक, आपको बताया था कि 18 महीने का ये ट्रांजिट बहुत बड़ा गोचर होता है। इसमें बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जिस तरह से गुरु और शनि का गोचर बहुत बड़ा माना जाता है, उसी तरह राहु केतु के गोचर से भी प्रभाव मिलते हैं। हालांकि हर एक ग्रह के जो प्रभाव हैं वो हमारे जीवन पे दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांजिट बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है, तो इसीलिए राहु और केतु के ट्रांजिट को भी, गोचर को भी देखने की, समझने की आवश्यकता होती है। तो आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में कि राहु और केतु के जो गुड रिजल्ट्स के लिए, गुड इफेक्ट्स के लिए हम क्या क्या रेमेडीज फॉलो करें, बट आज से जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें राहु आपके बर्थ चार्ट में किस भाव में बैठेंगे ट्रांजिट करने के बाद, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन पे क्या प्रभाव आएंगे, क्या इफेक्ट्स आएंगे, और यदि वो किसी मैलिफिक प्लैनेट के साथ में, ग्रह के साथ बैठे हैं तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे और उसके लिए क्या रेमेडीज फॉलो करें, उसकी बात करेंगे। हालांकि राहु और केतु, इनकी अपनी तो कोई साइंस ही नहीं है, कोई राशियां इनको अलॉट नहीं की गई हैं, लेकिन जब भी ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, क्योंकि छाया ग्रह बोला जाता है इनको, तो उसी ग्रह की जो क्वालिटीज हैं उसके हिसाब से ये काम करना शुरू करते हैं। और इनकी अपनी प्रवृत्ति तो आपको मालूम ही है जो होती है, राहु की क्या है और केतु कैसे बिहेव करता है। तो राहु अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, राहु और केतु कभी भी सीधा नहीं चलते, वो वक्री चाल चलते हैं। ये दोनों ही ऐसे छाया ग्रह हैं, और क्योंकि पहले मेष राशि में 30 अक्टूबर तक रहेंगे और उसके बाद 30 अक्टूबर से जब ट्रांजिट होगा तो ये पीछे, एक घर पीछे आ जाएंगे मीन राशि में, और केतु उनका जो ट्रांजिट होगा वो कन्या, तुला राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे। तो अब ये आज से हम बात करेंगे राहु की पहले तो, और राहु, व्हाट इज राहु बेसिकली, इट्स ऑल अबाउट इल्यूजन्स, एडिक्शंस, फियर, एंग्जाइटी, या फिर लॉसेस, क्रॉनिकल डिसीज, कुछ इस तरह की जो जितनी भी नेगेटिव, एकदम कनिंग होना, लीगल केसेस हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर बहुत ज़्यादा एडिक्शन ऑफ फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, तो ये सारी चीज़ें जब राहु की प्लेसमेंट ठीक नहीं होती है, प्लेसमेंट ठीक होने का नहीं मतलब है कि वो किसी मैलिफिक प्लैनेट के साथ में प्लेस्ड है। यदि राहु अशुभ ग्रह के साथ प्लेस्ड है और यदि शुभ के साथ प्लेस्ड है तो क्या क्या होगा, पॉलिटिक्स में फेम पर्सन को मिलता है, या फिर बिजनेस में एक्सपेंशंस, फॉरेन सेटलमेंट्स, आर्टिस्ट अगर हैं, प्लेयर हैं, आर्टिस्ट हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं तो उसमें फेम मिलना। राहु इज द प्लैनेट ऑफ मिस्ट्रीज, तो बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं, आप कर पाते हैं। साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट का राहु का बहुत अच्छा इफेक्ट है उनके जीवन में। रिसर्च बहुत अच्छी हो जाना, रिसर्च से रिलेटेड कोई भी अगर वर्क है, प्रोफेशन है, उसमें फेम मिलना, और शेयर मार्केट्स, लॉटरी, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होना, दिस इज़ ऑल अबाउट राहु। आपके लाइफ में अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में, तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत अच्छे आप इफेक्ट्स देखते हैं। और यदि प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेमेडीज़ फॉलो करें। और रेमेडीज़ फॉलो करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप थोड़ा सा, एक दो उपाय आपको बताएंगे, आप वो करेंगे और राहु के गुड इफेक्ट्स आप देखेंगे। आपको ये थ्रू द लाइफ करने चाहिए, जो कुछ राहु और केतु से रिलेटेड उपाय होते हैं। तो आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं, राहु की प्लेसमेंट ट्रांजिट के बाद में कहाँ है आपके बर्थ चार्ट में, उसकी हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि में राहु का परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक। तो बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के बारे में।
तो कर्क राशि के जो है नवे भाव में यानी भाग्य स्थान पे राहु आ जाएंगे एज पर जब वो मेष राशि से मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं 30 अक्टूबर को, तो वहाँ से उनकी जो पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि है वो थर्ड, फिफ्थ एंड फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी। और यहाँ पे जो है राहु इज़ लुकिंग एट योर राशि, आपकी राशि को देख रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईगो, घमंड या किसी बात का भी प्राउड हो सकता है, तक एकदम से सडनली आ जाएगा कि मैंने ये बहुत अच्छा किया, मेरे को कोई जॉब प्रमोशन मिल गई या मेरा बिजनेस एक्सपेंशन हो गया। तो वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि राहु ने यदि आपको सक्सेस दी है या प्रमोशंस दी हैं या लाइफ में प्रोग्रेस दे रहा है, तो आपको डाउन टू अर्थ रहना है, यहाँ नहीं चढ़ाना है। जैसे ही चढ़ेगा यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाने वाला है। ठीक है, तो हर सिचुएशन में सम रहें और ट्राई करें मेडिटेट करने का, और ध्यान रखें कि डाउन टू अर्थ रहना है। कॉन्फिडेंस बहुत देगा हर कार्य का को करने का, बस कि मैं ये कर सकता हूँ, उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना होने दें, बिल्कुल भी बदलने ना दें। ठीक है जी, तो राहु जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, तो आप अपने प्रोफेशन में जो कि टेक्नोलॉजी, AI या फिर रोबोटिक्स, इन सब से रिलेट करते हैं तो अच्छा करेंगे। यदि आप इन सब में हैं या आप सोच रहे हैं या आपके बिजनेस की कोई भी ब्रांच आप सोच रहे हैं कि इसमें एक्सपैंड करें, तो एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और क्योंकि गुरु की राशि और आपके भाग्य स्थान पर हैं राहु, तो आपकी धार्मिक यात्राएं या धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि एकदम से आप देखेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, ये परिवर्तन होना बहुत अच्छा है, ये अच्छा रहेगा। और गुरु की राशि में बैठने से आपके अंदर एक क्रिएटिविटी की, कुछ भी काम, नया काम करने की क्रिएटिविटी आप देखेंगे कि आएगी, और आपको करना भी चाहिए। और इसी के साथ में कोई भी, क्योंकि भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, आपका भाग्य अच्छा चमकने के लिए आपको किसी और को हेल्प करना ज़रूर चाहिए, जिनके किसी भी काम में कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा है, किसी नीडी बीइंग को। लेकिन ये सोचकर बिल्कुल मत कीजिए कि कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ, आप सिर्फ अपने बस एक निस्वार्थ भाव से आप किसी की हेल्प कीजिए, और डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट्स इन योर लाइफ एज वेल। ओके, सो इसी प्लेसमेंट के साथ राहु जब आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो फॉरेन सेटलमेंट्स या बिजनेस एक्सपेंशन और फॉरेन में जॉब चेंज होना बेटरमेंट के लिए, ये भी आप देख पाएंगे, और वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेट करता होगा डेफिनेटली। एंड विद दैट, क्योंकि फिफ्थ हाउस पे एस्पेक्ट है, तो लव अफेयर सक्सेसफुल होंगे। यदि आप शादी का सोच रहे हैं अपने लव पार्टनर के साथ और उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाला कार्य भी इस बार हो जाएगा, काफ़ी अच्छे योग हैं। और अगर ऑलरेडी मैरिड है तो रिलेशंस बेटर की तरफ जाएंगे। अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो अपने स्टमक हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि फिफ्थ हाउस के ऊपर एस्पेक्ट जा रहा है, सो इसीलिए। और री इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट आपको दिखेगा, यदि आपने कहीं पे भी आपको लगता है कि पैसा आया है और इसको री इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद इसकी जो इनकम जनरेट होगी, सो डेफिनेटली आपको इसमें प्रॉफिट्स दिखेंगे, तो आप री इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। और कहीं पे अगर आपको लगता है आपने किसी को कर्ज दिया था और उसने अभी तक आपके पैसे दिए नहीं, या किसी ऐसी जगह पे पैसे स्टक हो गए, कोई प्रॉपर्टी बाय करके रखी हुई थी या कहीं पे भी, तो वो वाला जो स्टक वाला मनी है वो आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, जो सडनली एकदम से आपके पास आ जाएगा। सो उसके लिए बिल्कुल भी आप चिंता मत करें। और उसके साथ में, क्योंकि फिफ्थ हाउस पे एस्पेक्ट है, बच्चों का हाउस है, संतान का हाउस है, तो वहाँ से आपको अपने बच्चों की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी आपको लगे कि छोटी मोटी चीज़, तो ये समझ सोचें कि बच्चे हैं, ये सब तो होता रहता है, उनको तुरंत चेकअप कराएं। और बच्चों के साथ में रिलेशंस अच्छे रखने के लिए उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी बात सुनें, और ट्राई करें कि उनके हिसाब से, जैसा आजकल का वर्ल्ड है, बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए उनके साथ कॉन्वर्सेशंस करें। नहीं तो हो सकता है कि वो आपको ना समझें और आप उनको ना समझें और डिस्टेंसेस आ जाएं, दूरियाँ आ जाएं।
जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ में अगर फीमेल चार्ट है, फीमेल बर्थ चार्ट है और जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे अपनी हेल्थ का और प्रेगनेंसी का। और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में कोई फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, कंसीव किए हुए हैं, तो उनकी भी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। घर में कोई भी रिलेशंस और होते हैं तो उनकी भी आप बहुत बहुत केयर करें। और राहु जो है वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फियर, अनवांटेड फियर, अननोन का फियर और एंग्जाइटी ये देता है। हो सकता है कि कुछ भी ऐसा ना हो जाए, जैसे अगर मैंने कहा कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है घर में, तो उनके मन में ऐसी बात आना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या आपके मन में उनके लिए कुछ गलत आना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ ठीक हो, तो वो जो अननोन फियर है उसको ज़रा आप साइड कर दें, उसकी जगह पे मेडिटेट करें, ताकि ये अननेसेसरी फियर हमारे माइंड में, ये जो डर है, भय है, ये ना आए। ऐसी सिचुएशन राहु क्रिएट करता है, तो समझ जाइए कि ये जो हो रहा है ये जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट्स ऑफ राहु। मेडिटेट रहेंगे तो कामनेस रहेगी, आएगी। तो अगर हम बात करते हैं कि रेमेडीज़ क्या फॉलो करें, तो सबसे पहली चीज़, जब भी बात हो रही है राहु और केतु का ट्रांजिट है, राहु और केतु के अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो बात राहु की हो रही है, तो ओम राम रावे नमः की चैंटिंग तो हम करेंगे ही। उसके साथ में भैरव देव के मंदिर में दिया जलाएं संडे को जाकर, और यदि हो सके तो काली ध्वज वहाँ पे जाके लगा दें। और माँ दुर्गा जो है वो राहु को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं, तो माँ दुर्गा की स्तुति करें, दुर्गा पूजा कर सकते हैं, और ओम सर्व मंगल मांगलय का आप जाप कर सकते हैं, या फिर दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप जब करेंगे तो आपको बहुत शांति का अनुभव होगा, शांति होगी। और जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, यदि आपको लगता है सिचुएशन ऐसी बन रही है, नेगेटिव सिचुएशन, तो आप सोच लीजिए कि ये जो है सितारों का खेल है, और हमें बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने हैं, रिलेशंस भी अच्छे रखने हैं, अपने आप को भी अच्छा रखना है, सक्सेस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसके साथ में शांति भी चाहिए। तो बात करते हैं सिंह राशि की। अब सिंह राशि के जो है 8th हाउस में राहु विराजमान हो जाएंगे 30 अक्टूबर से, यहाँ पे क्योंकि मीन राशि है आपकी, और यहाँ से जो 5th, 7th, 9th एस्पेक्ट होगा वो 12th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस पे होगा। अब 12th हाउस, पहली बात तो करते हैं कि 8th हाउस किन चीज़ों से रिलेट करता है, सो ऑकल्ट साइंस, हिडन स्टडीज, अगर हम एस्ट्रोलॉजी, मिस्ट्रीज, एक्सीडेंट्स, ड्रग एडिक्स, एडिक्शन होना, अल्कोहल का एडिक्शन होना, या लॉन्जिविटी और ड्राइविंग एक्सीडेंट्स, इन सब से रिलेट करता है। तो यहाँ पे रहने के साथ में राहु क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट करेंगे, अब 5th, 7th, 9th की जो दृष्टि उनकी पड़ रही है वो 12th, 2nd और 4th हाउस पे है। सो 12th हाउस जो है हमारा 12वां भाव, वो फॉरेन सेटलमेंट्स का, एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो आपके घर लेने पे, प्रॉपर्टी पे, व्हीकल पे, या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस का, तो ये हॉस्पिटल्स का तो हाउस है ही, और किसी भी अच्छे कार्य पे भी एक्सपेंस हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों पे एक्सपेंस हो सकते हैं। तो ये जो भाव है ये एक्सपेंसेस का भाव है। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड हाउस जो है वो सेविंग्स का, धन का, धन अर्जित करने का, प्रॉपर्टी, और उसके साथ में इमीडिएट फैमिली आपकी जो जन्म के बाद होती है उनका भाव है ये। और फोर्थ हाउस जो है वो हमारा मदर हाउस है, हमारे घर का, जो अपना घर, अपनी यू नो आपकी व्हीकल, कोई भी आपका कार या जो भी आपका वाहन है, कहना के मतलब है कि मटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुख का ये भाव है। तो अब बात करने की बात ये है कि जब दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो न्यू एक्सपेंशंस, न्यू जॉब्स, न्यू इनकम्स, न्यू प्रॉफिट्स, इन सब की बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बट उसके साथ में जब बात हो रही है हिडन स्टडीज, ऑकल्ट की, या फिर क्योंकि राहु वहाँ पे बैठे हुए, रिसर्च की बात हो रही है, तो यदि आपको लगता है कि यहाँ पे यू नो ये इन सब में आप का कोई इंटरेस्ट है, या इन सब से आप कुछ सीख सकते हैं, तो ये वाला भाव जो है आप ज़रूर इसके अंदर आप अपना हाथ फैलाइए।
ठीक है, सो जब बात कर रहे हैं सेकेंड हाउस की, तो अब यहाँ पे बैठ के एट्थ हाउस में बैठ के राहु सेकेंड भी देख रहे हैं और ट्वेल्थ भी. सेकेंड हाउस सेविंग्स का है, आपके धन का है, और ट्वेल्थ हाउस आपके एक्सपेंसेस का है, खर्चों का है. तो दोनों ही जगह पे दृष्टि जा रही है. अब करना क्या है, पैसा आएगा और चला जाएगा, लेकिन उसके साथ में आपको ध्यान किस पे देना है कि जब पैसा जा रहा है तो वो एक्सपेंसेस की जगह इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और जब पैसा आ रहा है तो हम उसको सेव कर पाएं. तो सेविंग्स पे ज़्यादा हम अपना फोकस रखेंगे और एक्सपेंसेस की जगह इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस रखेंगे, ताकि हमें ये फील ना हो पाए. बाकी जब सिचुएशन बनती है तो बन ही जाती है, हम थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रख सकते हैं, थोड़ा सा जांच परख के आप अपने एक्सपेंसेस कीजिए ताकि आपको इन्वेस्टमेंट का फील आए. और उसके साथ में कभी भी इस पीरियड में आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं कि पैसे नहीं है तो ये काम नहीं हो पा रहा, या हम ये चीज़ बाय करने जा रहे थे तो हो नहीं पा रहा. कैसे ना कैसे करके आपको कहीं ना कहीं से इनकम आ ही जाएगी, लेकिन आपका फोकस रहेगा कि आपको सेविंग्स करनी है. ठीक है, तो उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो देखिए, जब पैसा हम कह रहे हैं कि जाएगा, तो पैसा जाएगा तो तब जब आएगा. ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है. तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, इनफैक्ट सोचें, बैठ के प्लान करें कि करना क्या है, कैसे सेविंग्स होंगी, कैसे इनकम्स बनेंगी, कैसे हम कहीं पे ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करें जहाँ से हमारी इनकम आनी शुरू हो जाए. तो ऐसी वाली जब आप यू नो प्लानिंग्स बनाएंगे तो पैसा जब जा रहा होगा तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लगेगी. ठीक है, सो इसके बाद में काफ़ी सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है. हर बार यही बोला जा रहा है क्योंकि राहु का पीरियड है, राहु का ट्रांजिशन है, और राहु बहुत ज़्यादा जल्दी पैसा कमाने के जो यहाँ पे थॉट्स देता है, क्योंकि राहु कैन नॉट वेट, राहु वेट नहीं कर सकता है, उसको बस जल्दी से चाहिए और जो चाहिए वो चाहिए. तो इसके लिए बहुत सोच समझ के ध्यान से इन्वेस्टमेंट्स करें. हो सकता है कि आप कुछ ऐसी जगहों पे, और रिस्क बिल्कुल पे मत लें, हो सकता है आप ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको लगे ये प्रॉपर्टी है, इसको रेंट कर आउट कर देते हैं, या फिर पैसा जो है उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, वहाँ से पैसा आता रहेगा. तो इस टाइप्स की इनकम्स आप जनरेट कर सकते हैं और ध्यान भी जाएगा इन सब में. और इसके साथ में अगर हम बात करते हैं, ये फोर्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है और सेकेंड हाउस को भी, तो क्योंकि राहु जो है वो शक बहुत पैदा करता है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर देता है जहाँ पे शक की सिचुएशन बन जाती है. तो जो भी रिश्ते, आपके खास रिश्ते, अगर उनमें कहीं पे भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो आप ट्राई करें कि उन मामलों को प्यार से सुलझाएं, बैठकर बात करें, सोचें, और उसके बाद में उस बात के ऊपर रिएक्ट करें, ना कि किसी ने कुछ कह दिया और आपका उस पर्सन के ऊपर शक बन गया और आपने उस बेसिस पे उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, या कुछ बोल दिया, या कुछ भी इस तरह का आपने डिसीजन ले लिया. तो जी हाँ, उसके बाद में क्योंकि राहु अगेन आ गया है तो बहुत ज़्यादा डिजिटल गैजेट, सोशल मीडिया, ये सब यूसेज होंगी. तो हमें ध्यान क्या करना है कि हम इन सब के ऊपर अपना टाइम कंट्रोल करें, और उसके साथ में अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दें और क्वालिटी टाइम दें. क्वालिटी टाइम तभी जाएगा जब हम इन सब चीज़ों से अपनी डिस्ट्रैक्शन रिमूव करेंगे. तो ये बहुत लॉजिकल है. अगर आप सोशल मीडिया अननेसेसरी सर्फिंग से अपना टाइम बचाते हैं तो वो क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली को देते हैं, और फैमिली के साथ हैं तो कम्प्लीटली फैमिली के साथ बात करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच बीच में आप कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, कोई मैसेजेस देख रहे हैं, मेल्स देख रहे हैं. क्वालिटी टाइम मीन्स क्वालिटी टाइम. ठीक है, इससे हमारे रिश्ते भी बचते हैं और ये जो टाइम पीरियड होता है ये आराम से निकल जाता है. अब उसके बाद में अगर हम कहें कि एट्थ हाउस में बैठे हैं क्योंकि राहु, यहाँ से सडन डिसीज जो क्योंकि मिस्ट्री का हाउस है ये एट्थ हाउस, और कुछ ऐसी बीमारियां कभी निकल कर आती हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है, और हम जो सिम्टम्स दिख रहे होते हैं हम समटाइम्स उसको अनदेखा कर देते हैं कि कोई बात नहीं, छोटी सी चीज़ है. कुछ भी ऐसा यदि आपको दिखे,
आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं, अपनी ट्रीटमेंट कराएं, रूटीन चेकअप्स कराएं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कोई ना कोई सडन डिसीज निकल कर आए और फिर वो उस स्टेज पे हो जब आप उसको कंट्रोल करने के उस मतलब स्टेज में नहीं है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसीलिए कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप पहले से ही अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो अपने रूटीन चेकअप्स जरूर करवाते रहें। साथ ही में अपनी मदर की हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट है, तो माँ का बहुत ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहली चीज जो रेमेडीज हैं, ओम राम रावे नमः, इसको हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और साथ ही में लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, क्योंकि बात हो रही है सेविंग्स करनी है, फोकस करना है, पैसा आएगा और चला भी जाएगा, तो लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। लक्ष्मी सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसकी चैंटिंग आप करें 108 बार, और शुक्रवार को तो जरूर ही करनी है। With this, every other remedy जो राहु के उपाय हैं उसमें नीडी विंग्स की बहुत हेल्प करें, जो कि हमेशा हमें करते रहने चाहिए। और जितने भी लोग आपको दिखते हैं जो आपको लगता है कि इनको डोनेट करना चाहिए कुछ पैसा, खाना, कंबल, काले कंबल, नीले कंबल, तो वो आप डोनेट करें। आगे सर्दियां भी आ रही हैं, तो ये आप कर सकते हैं। विद दिस आपको कोई स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे काउज या कुछ दिखते हैं तो उनकी हेल्प आप कैसे कर सकते हैं वो आप सोचें और उसके ऊपर भी वर्कआउट करें। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, गोचर कैसा रहेगा? तो राहु जो है वो कन्या बर्थ चार्ट के सातवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि 12वीं राशि जो है, यानी कि जो मीन राशि है, वो सातवें भाव में है, सेवेंथ हाउस। अब सेवेंथ हाउस से जो एस्पेक्ट है वो फिफ्थ, सेवन, नाइन एस्पेक्ट पड़ रहा है फर्स्ट, थर्ड और इलेवेंथ हाउस पे। तो एक तो वो आपकी राशि को देख रहे हैं, दूसरा आपके मेहनत के भाव को, एफर्ट्स के भाव को, वाणी के भाव को देख रहे हैं, और तीसरा इलेवेंथ हाउस को, प्रॉफिट्स हाउस, न्यू इनकम्स हाउस को देख रहे हैं। तो यहाँ से अब जब बैठकर देखा जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं सेवेंथ हाउस की, जो कि हमारा मैरिज का, स्पाउस का हाउस है, या फिर लाइफ पार्टनरशिप के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस भी है। तो जब यहाँ से बैठकर वो फर्स्ट हाउस को देखते हैं, तो पहली बात, जहां राहु बैठता है वहां के रिलेशंस, या जिस भी भाव को एस्पेक्ट करते हैं वहां के रिलेशंस को इफेक्ट करते हैं। तो अब राहु जहां बैठे हैं वहां से वो रिलेशंस को नुकसान थोड़ा सा पहुंचाएंगे, तो इसके लिए हस्बैंड वाइफ में कोई भी नोकझोंक हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बिजनेस पार्टनर्स की आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो जब ऐसी कोई बात हो रही है तो बहुत ध्यान से सोच समझ के, ये सोचते हुए कि अगेन ये प्लेसमेंट इश्यूज हैं, तो इसीलिए हमें बैठकर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करनी चाहिए और एक दूसरे को बताना चाहिए कि हमारे मन में क्या है, और उस बात को सॉल्व करना चाहिए, ना कि सिर्फ सोच लिया और बात खत्म। अब अगर हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, तो अगर उनके रिलेशंस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है या शक की कोई गुंजाइश खड़ी होती है, तो वहां पे बहुत लॉजिकल है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना, और राहु जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसको भी रिलेट करते हैं, जैसे अल्कोहल, ड्रग एडिक्शंस, एनी टाइप ऑफ एडिक्शंस, एंड विद दिस एक्स्ट्रा मैरिटल। तो लॉजिकली यदि हस्बैंड वाइफ में बातें क्लियर नहीं होंगी तो दूसरी तरफ ये जो है जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बातें बढ़ गई और आपने सॉल्व नहीं की, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं वो सेपरेशन की तरफ जाएगी चीज। तो इसीलिए आपको वहां तक सिचुएशन लेकर नहीं जानी है, बातों को पहले से ही सुलझा लेना है, ठीक है। सो इसके साथ में जब वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, आपकी राशि को देख रहा है, तो राहु आपको सक्सेस देगा और बहुत ज़्यादा आपको न्यू एक्सपेंशंस, आपकी जॉब में प्रमोशंस देखने मिलेंगी। बिजनेस अगर आप एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है, और बिजनेस में प्रॉफिट्स भी आप बहुत बनाएंगे। इसके साथ में न्यू इनकम सोर्सेज बनेंगे, न्यू इनकम सोर्सेज जो कि प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि 11th हाउस की ऊपर एस्पेक्ट है। बट विद दिस
राहु क्योंकि आपकी राशि के भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु लीगैलिटीज को, आपकी रेपुटेशन को, इस सब को भी इफेक्ट करता है। तो इसीलिए कहीं पे भी अगर आपको लगे कि आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो रही है या कोई आपके अगेंस्ट जाने वाला है, तो वर्क प्लेस पे या पर्सनल आपकी फैमिली में भी, तो इन सब बातों से थोड़ा सा बच के रहिए, थोड़ा देख के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। और यदि आपको लगता है कि कहीं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो उसका बिल्कुल भी चांस मत छोड़िए। विद दिस, क्योंकि आपके थर्ड हाउस को भी देख रहा है जो कि सिबलिंग्स का हाउस है, तो सिबलिंग्स की हेल्थ को, यानी आपके भाई बहन की जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखें। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो छोटी प्रॉब्लम है तो उसको बड़ा होने तक का वेट ना करें, उनको बोलें, उनको बताएं कि वो भी अपना मेडिकल चेकअप्स, रूटीन चेकअप्स रखें, करवाएं। और हो सकता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज आपके सिबलिंग्स के हो सकते हैं या कोई भी अदर देन दैट, तो वहाँ पे अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो करें। अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स आपके भाई बहन के साथ में बढ़ने लगती है या बढ़ती है, तो ट्राई करें कि उसको वहीं के वहीं स्टॉप कर दें, उसमें बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं और रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, सो इसके साथ में क्योंकि न्यू इनकम्स, न्यू एक्सपेंशंस, न्यू प्रॉफिट्स की बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें कहीं यहाँ ना चढ़ जाएं, तो इसके लिए हमेशा एक सोच रखेंगे कि ठीक है, जैसे आया है वैसे जा भी सकता है, जो पैसा या जो फेम आपके पास आ रहा है वो जा भी सकता है, तो इसीलिए ये बना रहे उसके लिए आपको बहुत डाउन टू अर्थ रहना है, मेडिटेट करना है, काम रहना है, सबके साथ हमेशा मिलनसार रहना है। और जब बहुत चीजें या आपकी सक्सेस आने लगती है तो उसको ये चला ना जाए, इसका भी एक राहु जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर देता है, आपके माइंड में ऐसी थिंकिंग बना देता है कि कहीं ये चला गया तो क्या होगा, ये सब चोरी हो गया या लॉस हो गया तो क्या होगा, या मेरा फेम चला गया तो क्या होगा। तो ये एक अननोन फियर है, ये एक जस्ट एक अननेसेसरी फियर है, डर है, तो इसको आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एलिमिनेट कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव कि आपने इतनी मेहनत के साथ में आपको ये मिला है, तो आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको ये सब कुछ इसी तरह से मिलता ही चला जाएगा। तो आप नेगेटिव की तरफ बिल्कुल सोचें ही मत, ऑल टाइम जस्ट ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। ओके, और अगर बात करते हैं कि स्टडीज की, या स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग अगर सोच रहे हैं कि कहीं कुछ स्टडी में क्या हम करें, क्या ऑप्ट करें, तो पहली बात, अगर आप रिसर्च से रिलेटेड कुछ पढ़ने का सोच रहे हैं, या एआई से रिलेटेड, या रोबोटिक्स, या टेक्नोलॉजी, तो डेफिनेटली बहुत सक्सेस मिलने वाली है। और मेडिकल रिसर्च इज नॉट दैट कमेंडेबल एट दिस टाइम, लेकिन रिसर्च, नॉर्मल रिसर्च, एआई और टेक्नोलॉजी, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं रेमेडीज़ की, तो रेमेडीज़ में सबसे पहले अगेन ओम राम रावे नमः की चैंटिंग जितना भी आप कर सकें, डेली करें, सैटरडेज करें, जब आपको टाइम लगे, लेकिन इंटेंशंस रहनी चाहिए। और उसके साथ में ओम शोम शनिश्चराय नमः, इसकी चैंटिंग आप सैटरडे को करेंगे शाम के समय, और सैटरडेज को पीपल पे दिया जरूर जला के आएं, पीपल के नीचे, और संडेज को भैरव बाबा के मंदिर में दिया जला कर आएं। तो जब हम ये छोटी छोटी उपाय करते हैं तो डेफिनेटली मन जो है वो थोड़ा सा हमारा अध्यात्म की तरफ, अच्छाई की तरफ जाता है और हमेशा शांत रहता है। और उसके साथ में नीडी बींग्स की हेल्प करना तो कभी मत भूलें, ये आप जरूर करें। ओके, सो अभी तक का ये जो आज का जो वीडियो था, ये कर्क सिंह कन्या राशि का था, और कल के वीडियो में हम अपलोड करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड।